ओ यार मेरे चौपालों में वो धूम धड़ाके होने दे, तू गलियों में जगराते कर, मैं सोया हूँ मुझे सोने दे। ओ देश मेरे तू जीता रे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान। नमस्कार, मैं भावना सिंह और आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। आज हम बात करेंगे बुधवार को हुई किसान और सरकार के बीच बातचीत के बारे में। तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की बुधवार को सरकार के साथ बैठक हुई। बैठक में 40 कृषि संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्र सरकार के तीन मंत्रियों ने चर्चा की। करीब 5 घंटे चली बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया कि सरकार और किसान नेताओं के बीच 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। बचे हुए 2 अन्य मुद्दों पर 4 जनवरी को फिर से बैठक होगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बैठक के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आज की बैठक पहले की तरह बहुत अच्छे वातावरण में हुई। किसान संगठनों के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उसमें से 2 मुद्दों पर रजामंदी बन गई है। पहला पराली को लेकर और दूसरा बिजली कानून। कृषि कानूनों और MSP पर कानून को लेकर चर्चा खत्म नहीं हुई है, इसके लिए फिर से 4 जनवरी को बैठक होगी। आगे उन्होंने कहा, सर्दी का मौसम है, इसलिए किसानों को, बुजुर्गों और बच्चों को घर जाने के लिए कहना चाहिए। यह भी किसान संगठनों से मैंने कहा। वही किसान संगठनों में एक संगठन के नेता कलवंत सिंह संधु ने बैठक के बाद कहा, सरकार और किसान यूनियनों के बीच अगले दौर की बैठक 4 जनवरी को होगी। आज की बैठक मुख्य रूप से बिजली और पराली जलाने के मुद्दे पर केंद्रित रही। अगली बैठक में MSP गारंटी और 3 नए कृषि कानूनों पर बातचीत होगी। आपको बता दें, इसके बाद मंत्री किसानों के लंगर में भी शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे वाणिज्य और खाद मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश विज्ञान भवन में 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रहे थे। 2 घंटे तक चर्चा के बाद केंद्रीय प्रदर्शनकारी किसानों के लंगर में भी शामिल हुए। विज्ञान भवन में वार्ता आरंभ होने के करीब 2 घंटे बाद बैठक स्थल के पास एक वैन से किसानों के लिए लंगर पहुंचाया गया। इस दौरान किसान नेताओं के साथ मंत्रियों ने भी लंगर खाया। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, GT रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव,